बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो आज आपसे शेयर करूँगी जी ब्रेड केक की रेसिपी। कोई ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाता है। तो बहुत जल्दी ये रेडी होने वाला है केक। आप मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा लाजमी। और ज़्यादा चीज़ें भी इसमें नहीं लगेंगी और बिना चूल्हा जलाए और बिना ओवन के हम इसे मिनटों में तैयार करेंगे। चलें जी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मेन चीज़ें चाहेंगी इसमें, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ब्रेड के स्लाइसेस हैं, ठीक है, ये मैंने लिए थे 9 अदद। और इसके बाद और बिस्किट्स हैं। और इसके बाद है जी चॉकलेट। चॉकलेट आप कोई सी भी ले लें, मैंने डेरी मिल्क ली है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गई। बिस्किट्स को ओपन कर लिया है। अब जो है हम छुरी से इनको दरमियान में से कट करके और जो इनके अंदर क्रीम लगी होगी ना उसको हम अलहदा निकालेंगे प्लेट में, और जो बिस्किट्स हैं हमारे वो हम अलहदा कर लेंगे। और ये हमारे जो हैं बिस्किट्स अलहदा हो गए हैं और उनके जो अंदर क्रीम थी वो हमने अलहदा कर ली है। और अब हम लेंगे एक मिक्सी जार, उसमें ऐड करेंगे बिस्किट और फिर ऐड करेंगे उसमें दूध और इसको अच्छे से कर लेंगे हम ब्लेंड। ये देखिए मैंने ब्लेंड कर लिया इसको। और अब हम इसको निकालेंगे एक बाउल में, अलहदा इसको रख लेंगे। और अब मैं लूँगी ब्रेड के स्लाइसिस, ये मैंने 3-3 करके रखे हैं और 3-3 करके इनकी मैं कटिंग कर लूँगी। अभी मैंने 3 रखे हैं और इनकी साइड से जो ब्राउन पार्ट है वो मैं अलहदा कर लूँगी, और फिर जो 3 हैं उनके भी कर लूँगी। और बाकी के जो है ना 6 स्लाइसेस उनके ऊपर कटोरी रख के और उनकी शेप दे लेनी है गोल सी, ताकि हार्ट की शेप बन जाए। देखें कितनी खूबसूरत सी शेप बन चुकी है। यहाँ पे मैंने चॉकलेट को कद्दूकश कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे जी, जो हमने ओरियो का मिक्सचर बनाया था ना उसको हम प्लेट में लगाएंगे। उसके बाद हम ब्रेड के स्लाइसिस छोड़ देंगे और उसके बाद ऊपर फिर हम वही ओरियो का जो हमने पेस्ट बनाया वो लगा देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम एक चीज़ और भी लगाएंगे, वो है जी दूध। आपने दूध ऊपर लगाना है थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से सारा ऊपर नहीं डाल देना, क्योंकि इस तरह फिर जो ब्रेड हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। चम्मच के साथ थोड़ा थोड़ा आप ऐड कीजिएगा दूध और फिर हम ऊपर ब्रेड रखेंगे और फिर हम जो है ओरियो को जो हमने मिक्सचर बनाया वो लगाएंगे और फिर थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे। दूध में मैंने चीनी ऐड की हुई है और फिर हम ऊपर जो है वो लगा देंगे ओरियो का पेस्ट। और फिर हम जो है लास्ट में फिर हम जो है ब्रेड के स्लाइसेस लगा देंगे और फिर इसके बाद हम लगा देंगे जी ओरियो का पेस्ट और फिर दूध लगाएंगे चम्मच के साथ और फिर हम लगा देंगे जी सारा ऊपर ओरियो का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो सारा लगा देंगे। उसके बाद हम इसकी कर लेंगे डेकोरेशन। यहाँ पे देखिए सारा जो है ओरियो का मैंने मिक्सचर इसके ऊपर डाल दिया है, थोड़ा सा मेस हो गया, अभी मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको साफ़ कर लिया है। बिस्किट्स के अंदर जो क्रीम थी ना जो हमने अलहदा निकाली थी उसके आप चाहे रिंग्स बना लें चाहे ऐसे ही ऊपर रख लें। और वो रखने के बाद ऊपर मैंने जो है टूटी फ्रूटी लगा दिया था, ठीक है, मैंने इसके ऊपर जो है वो चॉकलेट लगा दी थी। चॉकलेट अगर आप चाहें तो पहले भी लगा सकते हैं, मैंने बाद में लगाई थी। और आपने चॉकलेट को क्रश करके ना फ्रिज में रख लेना, गर्मी है तो अगर आप बाहर रखेंगे ना तो वो मेल्ट हो जाएगी, तो इसलिए आप क्रश करके फ़ौरन फ्रिज में रख लें। तो फिर आप इसके ऊपर जो है चॉकलेट लगा लें और साइड्स पे इजी होगा, गत्ते के साथ लगा लें, कोई सा भी आप गत्ता ले लें, कार्ड ले लें, इसके साथ लगा लें। और इसके बाद जो है मैं इसके ऊपर लगा दूंगी जी बंटीज, जो डिफरेंट कलर्स में मिलती हैं ना वो वाली लगा दूंगी। तो हमारा जो केक है वो ब्रेड का वो हो गया है जी रेडी। ये देखिए मैंने ऊपर बंटीज लगा दी हैं, तो बहुत कलरफुल सा लग रहा है, बहुत प्यारा सा लग रहा है। और ये कलरफुल सा केक आप अपने बच्चों को बना के दे सकती हैं, बहुत ही इजी सी रेसिपी है, बहुत ही आसान तरीका है। ब्रेड तो हर घर में मौजूद ही होती हैं और चॉकलेट भी होती है और बिस्किट भी होते हैं, तो आप घर में बनाइए, अपने बच्चों को भी दें, खुद भी खाएँ, इन्जॉय कीजिए ये मज़ेदार सा ब्रेड केक। उम्मीद है आपको मेरी आज की ब्रेड केक की रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।